जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का जो आपका ये कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो 2023 में बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इस 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं या पिछले कई वर्षों से पूछे गए हैं, 2022 में भी लगातार पूछा है, 2020 में यानी 2009 से लेकर 2022 तक में, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, इस कॉन्सेप्ट से दो सवाल हर साल पूछा गया है, हर साल, और इस बार भी एकदम पूछा जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। यदि आप थोड़ा सा भी इसमें चूक करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, अभी आप सीख लीजिए, किसी भी तरीके से सवाल आपसे घुमाकर पूछेगा, कितना भी सवाल को घुमाएगा, कैसे भी उसको तोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन आप उस सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, यदि आज आप नहीं सीखेंगे तो एग्जाम में जाकर रोना पड़ेगा बाबू, हाँ रोना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? इसलिए आपको बस थोड़ा सा वक्त देना है हमारे साथ और एकदम आसानी से जो है आपको पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक आपको देंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट देंगे आपको। कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, आप किसी भी सवाल को कैसे भी घुमा कर देगा, आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा ना। लेकिन यदि सीधे ट्रिक हम आपको रटा देंगे तो हो सकता है कि यदि थोड़ा सा हटकर सवाल आपको पूछ दे तो आप उलट जाइएगा। नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही है। इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और भी कई सारा वीडियो डाला गया है, बहुत सारा वीडियो डाले हैं, बेसिक से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक का बहुत सारा वीडियो डाला गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का तो यही शिकायत रहता है कि सर डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा। और पगला देख, आइए देखो, आइए इस टाइप से बना हुआ होगा, जहां पर यहां पर कुछ लिखल होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर उसका कॉन्सेप्ट वगैरह, यानी टाइटल जो लिखा हुआ है, जिसको देख के जिसको पढ़कर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या वीडियो के बारे में जहां लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं टाइटल। और उसके ठीक नीचे आप देखिएगा तो ऐसा चिन्ह बना हुआ होगा नीचे की तरफ ऐसा, जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो जो खुलेगा वो डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो वहीं पर आपको, यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाह रहे हैं क्लास 12th के लिए या क्लास 10 के लिए या क्लास 11th के लिए, ठीक है, तो वहां पर एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है, आप वहां से एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बहुत ही मामूली रकम में आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है, जिसमें एनसीईआरटी और केसीसीना का जो है पूरा का पूरा मिक्स करके एक बेहतर कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, और पूरा का पूरा उसका मटेरियल आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट या ऑब्जेक्टिव जो भी आपको पढ़ना है, या 2022 में जो क्रैश कोर्स दिया गया है, वो सबका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। है तो बहुत सारा मटेरियल आपने पास, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन बस आपको एक बार थोड़ा सा जगने की जरूरत है, वक्त बहुत कम बचा है। ठीक है, इतने कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और तगड़ा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए और आप लोग मेहनत से डरने वाले थोड़ी ना है, कभी नहीं डरना चाहिए, मेहनत से डरना क्या है, हैं? चलिए आइए, तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। हम आपसे कुछ सवाल पहले पूछेंगे, आपको पहले उसका जवाब देना है। ठीक है, आइए, सवाल क्या है, सबसे पहले हम पूछते हैं आपसे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। एकदम आराम से समझिएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, बड़ी सिंपल सवाल आपसे पूछ रहे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो कहिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान तो गुरु जी 0 होता है। हाँ भाई सही है, 0 होता है तो 0 ही तो कहेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। वाव, गजब। अच्छा अब बताइए कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। अब बताइए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो कहेंगे कि कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। बात बन गया, कॉस 90 डिग्री का मान जब 0 होता है तो बात बन गया। अब देखिए कि यदि साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं इनवर्स रूप में। हाँ, यदि साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो साइन में 0 कितना का मान, तो 0 डिग्री का मान, या फिर कॉस में 0 कितना का मान, तो 90 डिग्री का मान। अल्ले, कॉस में 0 कितना का मान, तो 90 डिग्री का मान। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहां देखिए कि साइन का मान और कॉस का मान
दोनों आपस में बराबर है। ए बाबू ए यहाँ यहाँ लुक एट दी उजर का बोर्ड, कहता है कि साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर होगा। कब? साइन का मान कॉस का मान, देखो 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 यहां साइन का मान जीरो कॉस का मान जीरो, ये दोनों आपस में बराबर होगा। कब? जब दोनों के कोण को जोड़ने पर, दोनों के कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर हो जाए। जब दोनों के कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो कह सकते हैं कि साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर होगा। इसी को नीचे देखिए क्या लिखा है, ये माने ना है, ये भी तो माने हैं। तो साइन का मान कॉस का मान दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। और 90 डिग्री को पाई बाई टू कहते हैं, 90 डिग्री को पाई बाई टू कहते हैं। और सुनिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। हम कहेंगे ठीक, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप सुनो, आप पूछेंगे कि कॉस 60 डिग्री का मान, कहेंगे वो ठीक, वो 1/2 ये होता है। ले लिख 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 लिख, मजा आ गया। देखिए क्या आ गया, आया कि साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर है। ए बाबू, साइन का मान और कॉस का मान, साइन का मान कॉस का मान दोनों आपस में बराबर है। कब? जब दोनों के कोण का योगफल, जब दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर है, अर्थात पाई बाई टू के बराबर है ना। जब दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर है, समझ में आ गया। एक चीज इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखिए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन में 1/2 कितना का मान, यही तो इनवर्स है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब है कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान। अच्छा, फिर इधर कॉस में 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 कितना का मान, तो 60 डिग्री का मान। अब चलिए देखिए, यहां पर साइन इनवर्स में है, कॉस भी इनवर्स में है। ए बाबू, साइन इनवर्स में है और कॉस भी इनवर्स में है, और दोनों का मान बराबर है। दोनों का मान यदि समान है तो इसका मतलब है कि उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। हाँ, तो साइन इनवर्स के रूप में हो, कॉस इनवर्स के रूप में हो, और यदि उसका मान बराबर है दोनों का, इसका मतलब है कि उसके कोण का योगफल कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात ये लिख सकते हैं क्या, कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, जो आपका फॉर्मूला है। एकदम रुक जाइएगा, अभी घबराना नहीं है। कहाँ चल दिए, देखो इधर कहाँ चल दिया, अभी तो शुरू हुआ है फिल्म है, पहले पूरा फिल्म देखो ना, तब ना मजा आएगा। देखिए तो क्या हुआ कि साइन इनवर्स के रूप में है, कॉस भी इनवर्स के रूप में है, और ये दोनों के दोनों मान बराबर है। तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे, अर्थात किसको जोड़ेंगे, तो उसके कोण को जोड़ेंगे ना, तो उसके कोण का योगफल कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात पाई बाई टू के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, पाई बाई टू के बराबर होगा। अब इस पर आधारित आप कितना भी क्वेश्चन कर लो आसानी से,
एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अब कैसे देखिए, जैसे यहां पर लिखना है, मान लीजिए कि साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू प्लस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू बराबर कितना होगा, पाई बाई टू। दूसरा कॉस इनवर्स रूट पांच बट्टा में तीन और प्लस साइन इनवर्स, देखिएगा रूट पांच बट्टा में तीन बराबर कितना होगा, पाई बाई टू। तीसरा साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस वन बट्टा में रूट एक्स माइनस वन है, अब प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस वन और बट्टा में रूट एक्स माइनस वन बराबर कितना होगा, पाई बाई टू। चौथा सवाल साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू और बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, फिर प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू और बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बराबर क्या होगा, तो पाई बाई टू। आप इतना से एक चीज और समझ लीजिए आप कि ऐसे लिखा हुआ रहेगा साइन इनवर्स कुत्ता, मान लीजिए ऐसा ऐसा लिखल है साइन इनवर्स लीजिए कुत्ता प्लस कॉस इनवर्स कुत्ता हाँ बराबर पाई बाई टू। भाई कुत्ता का मतलब कुत्ता नहीं लिखल रहेगा, उसका मतलब लिखल रहेगा कि साइन इनवर्स जो रहेगा यहां कॉस इनवर्स जो रहेगा यहां, यानी दोनों के दोनों यदि सेम है तो उसका योगफल हमेशा पाई बाई टू के बराबर होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, जानकारी पूरा यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी आपको दी गई है कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और कॉस भी इनवर्स के रूप में हो और दोनों का मान यदि बराबर है तो एक ही कंडीशन में दोनों का मान बराबर हो सकता है, जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, अर्थात यदि उसके कोण को जोड़ दिया जाए तो वो 90 डिग्री के बराबर आएगा, तभी आपस में दोनों बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर होना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा ही अकेले ना है, हाँ एक गो ना है, अभी दो गो और है, अब दो गो और कौन कौन है आपको बुझा रहा है, लेकिन उसका पूरा डिटेल आपको देने वाले हैं और लास्ट में कुछ और नया चीज देने वाले हैं, और कुछ नया चीज देने वाले हैं, आराम से बने रहिएगा, थोड़ा सा और धैर्य बनाइएगा, पहले इसको मिटा लेते हैं फटाफट से, अब अगली बात हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी मिटा लेते हैं, तब तक आप लोग अपने मन को थोड़ा सा शांत कीजिए, हाँ थोड़ा सा इधर ध्यान लगाइए सभी लोग। चलिए मिटा देते हैं, चल बाबू अब आइए, अब यहां से पूछेंगे फिर कि बताओ टैन जीरो डिग्री का मान कितना होगा और फिर कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे कि टैन जीरो डिग्री का मान जीरो के बराबर होगा और कॉट 90 डिग्री का मान भी जीरो के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, यह तो सिंपल है ना भाई, यह तो आपको मालूम है टैन जीरो डिग्री का मान जीरो के बराबर होगा और कॉट 90 डिग्री का मान भी कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। तो आइए एक चीज समझिए कि टैन का मान और फिर कॉट का मान ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, टैन का मान और कॉट का मान जब दोनों आपस में बराबर हो जाए इसका मतलब कुछ है, क्या है, तो उसके कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात पाई बाई टू के बराबर होगा। यस राइट, हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा अर्थात पाई बाई टू के बराबर होगा, आप चेक करके देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, या मान लीजिए कि यहां लिखे ऐसे, अब इसको तनिन भर्स में लिखिए,
तो टेन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, तो इनवर्स में कैसे लिखेंगे कि टेन में 0 कितना का मान ना, तो 0 डिग्री का मान, और इसके बाद कॉट में 0 कितना का मान, तो 90 डिग्री का मान। ठीक है, कॉट में 0 कितना का मान, तो 90 डिग्री का मान। अब देखिए ना कि टेन इनवर्स में है, कॉट भी इनवर्स में है, और दोनों के दोनों बराबर है। ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ने से कितना के बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा, अर्थात पाई बाई टू के बराबर होगा, पाई बाई टू के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 प्लस कॉट इनवर्स 0 बराबर, 0 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, अर्थात पाई बाई टू भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपके सामने है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि टेन इनवर्स के रूप में हो और कॉट भी इनवर्स के रूप में हो, और ये दोनों के दोनों का मान आपस में बराबर हो, ये दोनों के दोनों आपस में यदि बराबर हो, तो उसका योगफल हमेशा पाई बाई टू के बराबर होता है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज और आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, और आपसे पूछेंगे कि कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो वो भी होगा 1/√3। इसका मतलब है कि टेन का मान देख लीजिए, कॉट का मान यदि आपस में बराबर है, तो उसके कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, उसके कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। और यदि आप इसी को इनवर्स के रूप में देखते हैं, तो कैसे देखेंगे कि देखिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा, टेन में 1/√3 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान। अच्छा, फिर पूछेगा कॉट में 1/√3 कितना का मान, तो कितना का मान होगा, 60 डिग्री का ना, देख लीजिए ना कितना का मान होगा, 60 डिग्री का। अब दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, जब इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये भी आपस में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जब दोनों का LHS जोड़ रहे हैं तो RHS भी जोड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 बराबर हो जाएगा 30 और 60 90, 90 बोले तो पाई बाई टू। अर्थात क्या हो गया, देखिए कि टेन इनवर्स के रूप में हो और कॉट भी इनवर्स के रूप में हो, और दोनों का मान यदि बराबर है, तो योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात पाई बाई टू के बराबर होगा, योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात पाई बाई टू के बराबर होगा। अब आप थोड़ा सा यहां गौर करेंगे, देखिएगा जैसे सवाल कुछ ऐसा है कि टेन इनवर्स 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल, टेन इनवर्स देख लीजिए यहां से, √3 प्लस 5 बटा में 3 और फिर प्लस कॉट इनवर्स √3 प्लस 5 बटा में 3, बताइए कि इसका मान कितना के बराबर होगा। अगला सवाल, टेन इनवर्स √5 प्लस 2√3 और बटा में √5 माइनस 2√3, इसके बाद प्लस कॉट इनवर्स √5 प्लस 2√3 और बट्टा में हो जाएगा आपका √5 माइनस 2√3। देखिए यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, और यदि ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार आपके सामने पड़ जाए, तो आप ठंडी में पसीना छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, आपके दिमाग एकदम बिल्कुल सुन्न हो जाएगा आपका दिमाग। लेकिन जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि आपको मालूम है कि यदि टेन इनवर्स के रूप में हो और कॉट भी इनवर्स के रूप में हो, और ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो, तो उसका योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात पाई बाई टू के बराबर होता है। अब आप ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं, ऐसे सवालों का जवाब बहुत ही सिंपल तरीके से आप दे सकते हैं, अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है।
ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। आइए अब इसका तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर आपका बन जाएगा आसानी से। क्वेश्चन तो आप देखते ही अब आप आंसर बना दीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं, इतनी सा भी नहीं, एकदम होना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्या है। अगला भी आपको और बताने वाले हैं, ये लास्ट है इसका। जैसे आपसे पूछेंगे कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा और कौसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। आपको मालूम है कि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और उसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो कौसेक 60 डिग्री का मान भी होता है 2/√3। अब आपको यहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहने वाले हैं, ठीक है। हाँ, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या कहने वाले हैं इसके आगे। देखिए कि यहां सेक का मान और फिर कौसेक का मान, ये दोनों आपस में बराबर आपको लग रहा है, ये दोनों आपस में बराबर लग रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है बाबू, मालूम है कि ये दोनों के कोण का जो योगफल है, यदि आप दोनों के कोण को जोड़ते हैं तो इसका योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात π/2 के बराबर होगा, तभी जाकर ये दोनों आपस में बराबर है। आप चेक करके देखिएगा कि यदि कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तभी ये दोनों आपस में बराबर होगा, अन्यथा आपस में बराबर नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो इससे ये अर्थ स्पष्ट हो गया आपका कि सेक इनवर्स कितना, सेक में 2/√3 कितना का मान, तो आप कहेंगे 30 डिग्री का मान। फिर कौसेक में 2/√3 कितना का मान, कौसेक में 2/√3 कितना का मान, तो 60 डिग्री का मान, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए कि सेक इनवर्स में है, कौसेक भी इनवर्स में है, और दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है, तो उसके कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा ना, अर्थात क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स 2/√3 प्लस कौसेक इनवर्स 2/√3, और इसको लिखेंगे 30 प्लस 60 यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे। अर्थ स्पष्ट हो गया कि यदि सेक इनवर्स के रूप में हो, कौसेक भी इनवर्स के रूप में हो, और दोनों का मान यदि बराबर हो, सेम टू सेम यहां लिखल हो, सेम टू सेम दोनों के जगह यहां सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो उसका योगफल हमेशा π/2 के बराबर होगा। इसका योगफल हमेशा कितना होगा, π/2 के बराबर होगा, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होगा। आशा करते हैं कि ये तीन चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला कि यदि ऐसा रहे, मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब यहां सेम टू सेम, ठीक है, यहां एक्स का मतलब सेम टू सेम, यदि साइन इनवर्स के रूप में रहेगा, कॉस भी इनवर्स के रूप में रहेगा, और ये दोनों सेम टू सेम होगा, ये दोनों सेम टू सेम होगा, तो इसका योगफल हमेशा π/2 के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा भी आपको बताया इसी में कि यदि टेन इनवर्स के रूप में हो, ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2। इसका मतलब ही सेम वही है कि टेन इनवर्स के रूप में हो, कॉट भी इनवर्स के रूप में हो, और इसका ये जो एक्स एक्स दिख रहा है, इसका मतलब दोनों सेम टू सेम हो, एकदम सेम टू सेम, हाँ एकदम सेम टू सेम हो दोनों, तो इसका योगफल हमेशा कितना होगा, π/2 के बराबर होगा, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होगा। और इसी में तीसरा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कौसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, यानी सेक इनवर्स के रूप में हो, कौसेक भी इनवर्स के रूप में हो, और यदि आप देख सकते हैं तो दोनों के दोनों का मान यदि आपस में बराबर हो, यानी सेम टू सेम हो, ये दोनों सेम टू सेम हो, तो इसका योगफल हमेशा π/2 के बराबर होगा। अब इस पर आधारित आपके बोर्ड एग्जाम में दो क्वेश्चन आपसे तो हर साल पूछे जाते हैं एकदम, या तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपसे पूछेगा, सेम यही फॉर्मूला आपसे पूछेगा, अन्यथा यदि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा तो इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहां पर कुछ मान रखकर आपसे जो है पूछने का प्रयास करेगा। तो अब हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि अब आपको इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका यथोचित उत्तर दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों।
हमारा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? यदि आपको बेहतर लगा है, समझ में आया है बेहतर तरीके से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। उसके साथ साथ यदि आपको अपने सभी दोस्तों तक इस जानकारी को पहुंचाना है तो यहां पर आपको शेयर का बटन दिख रहा होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद।